नमस्कार दोस्तों, आपके अपने वैदिक एस्ट्रो लाइव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि वालों के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसा रहेगा। दोस्तों, आपको जुलाई के महीने में कैसा रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इसमें कही गई बातें आपको अच्छे से और स्पष्ट समझ में आ सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मकर राशि वाले व्यक्तियों का जुलाई 2023 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मकर राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य से लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी क्योंकि शनि आपके इस माह में चंद्र राशि के सेकंड हाउस में स्थित हैं, लेकिन इस समय पर आपको आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है। आंखों में जलन, दर्द व इन्फेक्शन और दांतों में भी दर्द हो सकती है और आपको अपने स्वास्थ्य से लेकर अचानक खर्चा करना पड़ सकता है और आपका तबीयत तो ठीक रहेगा, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बीमारी आपको हो सकती है। वही बात की जाए आपके प्रेम प्यार और वैवाहिक जीवन के बारे में, तो जुलाई 2023 के अनुसार इस माह मकर राशि के जातकों को अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, जिसके कारण आपको अपने साथी के साथ अलगाव देखने को मिल सकता है या फिर आपका ब्रेकअप हो सकता है कुछ समय के लिए। और अगर आप शादी का सोच रहे हैं तो यह समय आपको कंफ्यूजन करने वाला है, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि शादी करना है कि नहीं, आप बहुत ही ज़्यादा अपने मन में सोचेंगे। वहीं बात की जाए शादीशुदा लोगों के बारे में, तो जो व्यक्ति शादीशुदा हैं तो उनके जीवन में भी आपका दाम्पत्य जीवन सही नहीं रहेगा, आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े बने रहेंगे और आपके रिश्ते में दरार भी उत्पन्न हो सकती है। वहीं बात की जाए मकर राशि वाले व्यक्तियों का आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, तो जुलाई 2023 के अनुसार इस माह मकर राशि वाले जातकों को लाभ के साथ साथ खर्चे भी देखने को मिल सकते हैं। शनि आपके सेकंड हाउस में स्थित हैं, इसके कारण जातकों को अधिक मात्रा में धन लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में आप पैसों की बचत करना बहुत ही आपके लिए मुश्किल रहेगा। इस माह फोर्थ हाउस में आपके बृहस्पति स्थित हैं और आपके अचानक से खर्चे बढ़ जाएंगे, जिसे मैनेज करना बहुत ही मुश्किल रहेगा। इसके साथ ही बृहस्पति राहु के साथ आपके फोर्थ हाउस में स्थित हैं, जिसके कारण जातक के खर्चे में नियंत्रण रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा। इस माह पैसे बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा, इसलिए आप थोड़ा सा कोई भी निर्णय लें तो सोच समझ कर लीजिए। लेकिन वही बात की जाए जो जातक के व्यापार करते हैं, तो आप थोड़ा सा साझेदारी से पार्टनरशिप से दूर रहें क्योंकि आपको पार्टनरशिप में लाभ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको नुकसान ही होगा और इसके चलते आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस भी सहना पड़ सकता है। वही बात की जाए मकर राशि वाले व्यक्तियों का करियर कैसा रहेगा। जुलाई 2023 के अनुसार इस माह में मकर राशि के जातकों को करियर के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। शनि आपके सेकंड हाउस में और केतु आपके टेंथ हाउस में बैठे हैं। टेंथ हाउस में केतु की स्थिति के कारण आपको कार्य क्षेत्र में अधिक मुनाफे देखने को मिल सकते हैं और आपको करियर में कहीं ना कहीं से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। करियर के क्षेत्र में आपको विदेश जाने का भी अवसर मिलेगा क्योंकि थर्ड हाउस के स्वामी के रूप में बृहस्पति आपके फोर्थ हाउस में स्थित हैं। वहीं टेंथ हाउस के स्वामी के रूप में शुक्र आपके एट हाउस में स्थित हैं, जिसके कारण जातकों को करियर के क्षेत्र में संतुष्टि महसूस होगी क्योंकि आप अपने करियर में जहाँ आप काम करते हैं तो आप वहाँ कम्फर्टेबल रहेंगे, आप को वहाँ अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी और आप कहीं असाइनमेंट वगैरह सेमिनार के चक्कर में आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं, आपका यात्रा भी होगा। लेकिन वहीं जो जातक के व्यापार करते हैं तो उनका व्यापार कैसा रहेगा जुलाई के महीने में, तो जातक अपने व्यापार में ध्यान दे रहे हैं तो उनको औसत परिणाम देखने को मिल सकते हैं क्योंकि जातक को कड़ी मेहनत करना पड़ेगा
और इस माह के अंत में व्यापारी को बेहतर रिटर्न हासिल करने में सफल हो सकते हैं। मकर राशि के जातकों को व्यवसाय के क्षेत्र में जो आपने पहले से प्लानिंग किए हैं तो उसको थोड़ा सा चेंज करना है और आप नई तकनीकों को अपनाएं, जिससे कि अपने व्यापार में अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। तो दोस्तों, यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड